आप सभी का अपने चैनल मॉडर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए क्लास नाइन्थ का चैप्टर 13.4 का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आया हूँ आपके लिए। आज हल करूँगा इस सवाल को। तो कह रहा है सवाल, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई गोला है, समाना कोई गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके चारों ओर का जितना क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका त्रिज्या बताना है हमको, रेडियस, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या होता है रेडियस है, ये बताना है। तो इससे पहले हम जानेंगे कि गोले की क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr². तो यहाँ लिखेंगे सवाल में, दिया है सवाल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr². यहाँ पर है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 154। तो यहाँ इसकी जगह पे हम लिखेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4πr². तो यहाँ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4π का मान होता है 22/7 और गुणे r². तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 22/88 गुणे r². तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ देखिए भाग है, यहाँ भाग के रूप में जुड़ा है, यहाँ इधर आएगा तो हो जाएगा गुणा, तो गुणे 7 बराबर 88r². तो 154 में 7 का गुणा करेंगे आएगा 10/78 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 88r², या पूरा पलट देंगे, 88 को इधर ले आएंगे, 10/78 को इधर कर देंगे, तो 88r² बराबर 10/78 इधर जुड़ा है गुणक रूप में, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो जाएगा 10/78/88। तो r² बराबर भाग करेंगे आएगा 12, भाग करने पे आएगा 12/25। इसके बाद r², जब स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, 12/25 हो जाएगा अंडर रूट में, इसका मान निकालेंगे तो आएगा 3.5। यहाँ पर हम लोग की त्रिज्या निकल गई 3.5 सेंटीमीटर। सवाल कह रहा था कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है 154, तो हमें निकालने हैं, हम लोग को आ गया है 3.5 सेंटीमीटर। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम ऐसे वीडियो और बनाते रहें।